हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एकदम बेसिस अलजेब्रा का जोड़ बताने जा रही हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और देखते हैं अलजेब्रा का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। तो अलजेब्रा का जोड़ जोड़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि चर मान किसे कहते हैं और चर मान किसे कहते हैं। तो पहले चर मान किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जो आपका ए से लेकर जेड तक का लिखते हैं अल्फाबेट, उनमें से जो भी लेटर होते हैं उसको हम चर कहते हैं। यानी कि ए जेड के सब क्या है, चर मान है। क्या चर? जो भी ए से लेकर जेड तक के कोई भी लेटर को लिखते हैं वे आपका चर मान कहलाते हैं। आप जान लेते हैं क्या चर मान क्या होता है। जो आपका गिनती की संख्या होते हैं उसको हम अचर कहते हैं। जैसे कि एक हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, सब क्या है, अचर मान हो गया। तो इसको हम अचर मान कहते हैं। सिंपल सी बात है, गिनती की संख्या को अचर मान कह देंगे और जो ए से लेकर जेड तक यानी कि अल्फाबेट होते हैं उनके जो लेटर होते हैं उनको हम चर मान कहते हैं। अब हम अलजेब्रा का जोड़ जोड़ने से पहले उसका नियम जान लेते हैं कि इसका नियम क्या होता है। तो अलजेब्रा का जोड़ का नियम होता है कि अगर चर मान सेम सेम है तो उसको जोड़ा जाएगा। अगर चर मान सेम सेम मिल रहा है तभी उसको जोड़ेंगे, अगर चर मान का सेम नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा। अगर चर मान सेम सेम है तभी जोड़ेंगे, अगर चर मान का मान जो है सेम नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि x प्लस एक्स इसको जोड़ना है, x प्लस एक्स है यानी कि चर मान इसमें भी x है इसमें भी x है, ये दोनों क्या है सेम है, इसको जोड़ सकते हैं। इसके आगे एक होता है, इसके आगे एक, एक एक दो जाएगा और x लिखा जाएगा, यानी कि चर मान सेम है उसको जोड़ सकते हैं। तो x को x लिख दिए और एक एक दो हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में x प्लस y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स इसको जोड़ना है, क्या इसका चर मान जो है सेम है, इधर y है इधर x है, इसका चर मान नहीं सेम है तो इसको नहीं जोड़ा जाएगा। इसका आंसर यही आ जाएगा y प्लस एक्स। यदि यहाँ पर x रहता तब जुट जाता, लेकिन यहाँ पर चर मान नहीं सेम मिल रहा है तो इसका आंसर यही आ जाएगा y प्लस एक्स। अब है 7x प्लस 3x, इसमें देखिए इसका चर मान देखिए, यहाँ पर चर मान सेम है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, चर मान जब x है तो इसको जोड़ सकते हैं। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और x के x हो गया, तो यानी कि 7x हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए 5x प्लस 2y है, इसका जो इसको जोड़ना है 5x प्लस 2y को जोड़ना है। तो पहले चर मान देखेंगे सेम है कि नहीं, इसका चर मान x है इसका चर मान y है, ये सेम नहीं है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसका आंसर यही आ जाएगा 5x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। जब चर मान सेम सेम मिलेगा तभी उसको जोड़ेंगे, अगर चर मान सेम नहीं मिल रहा है तो उसको वैसा ही लिख देते हैं। अब ऐसा जोड़ बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्लस में प्लस से गुना करते तो क्या होता है। तो प्लस में प्लस से गुना करते तो प्लस का चिन्ह आता है, जब हम प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, जब हम माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, जब माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस आ जाएगा। सिंपल सी बात रखिएगा ध्यान में कि सेम सेम साइन वाला जब मिलता है तो प्लस होता है, अगर सेम नहीं मिल रहा है तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों सेम है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस प्लस है तो सेम है तो प्लस हो गया। सिंपल सी बात ध्यान में रखिएगा। तो अब इस जोड़ को पढ़ाते हैं, तो इधर से जोड़ा जाएगा। इसका पहले हम चर मान देखेंगे सेम है कि नहीं, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, इसका यानी कि चर मान जो है सेम है। तो 5 और 3 को जोड़िए तो 8 भी हो जाएगा, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। अब इसमें देखिए चर मान सेम है कि नहीं, तो उसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो इस चर मान सेम इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो जाएगा, ए आ जाएगा, इसका आंसर यही आ गया। अब नीचे वाले में देखिए, यहाँ पर प्लस में 3x या माइनस 2x इसको जोड़ना है, तो देखिए इसका चर मान सेम है, यानी कि ऊपर में x है नीचे में x है, x से दोनों का चर मान जो है सेम है तो उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जोड़ने से पहले देख लीजिए जुटेगा या घटेगा वो भी देख लीजिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस दे देंगे, यानी कि 3x में से 2x घटेगा, है जोड़ना लेकिन यहाँ घट रहा है क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है माइनस का है, तो घटा लेंगे, 3x में से 2x जाएगा तो x बच जाएगा, एक को नहीं लिखते सिर्फ x हो गया। तो जिसका मान बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, इसमें कौन बड़ा है, 3 बड़ा है तो 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस दे देंगे। अगर इसमें से ही बड़ा रहता है इसका चिन्ह माइनस का रहता है, माइनस लिखते, जिसका जो बड़ा होता है उसका ही चिन्ह लिखते है। तो चिन्ह बड़ा कौन है, 3 का चिन्ह क्या है, प्लस का, तो प्लस दे दिए। और ना यहाँ पर जोड़ना है तो 6 10 4 कितना आएगा 10x आएगा, इसका आंसर ये आया। तो इस तरीके से जो आप अलजेब्रा को जोड़ को जोड़ सकते हैं, इस तरीके से अलजेब्रा का जोड़ जोड़ा जाता है। तो यदि मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छे लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।